नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सुनाली। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं वो दिखा देते हैं। फसलों के उत्पादन में भी अपना एक विशेष स्थान बनाया है। हल्दी, अदरक, लहसुन, मिर्ची, धनिया, अजवाइन, प्याज अब ये विपुल मात्रा में अब हो रही है। हल्दी तो मुझे बताया 40,000 मैट्रिक टन होती है अकेले बुरहानपुर जिले में। प्याज 18,500 मैट्रिक टन, वैसी अदरक लहसुन अलग अलग फसलों में के उत्पादन में हम बढ़ रहे हैं। सचमुच भी आज देश की जरूरत है कि हम केवल परंपरागत फसलें नहीं, हम ऐसी फसलों का भी उत्पादन करें जिसकी देश में भी जरूरत है और जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। भारत मसालों को आज नहीं, सैकड़ों साल पहले से, और मैं हजार भी कहूं तो अतिशोक्ति नहीं होगी, तब से एक्सपोर्ट करता रहा है। दुनिया में मसाले हमारे यहां से जाते रहे और मसालों के निर्यात में दक्षिण के राज्य काफी आगे रहे। लेकिन अब जिस गति से बुरहानपुर में मसालों का उत्पादन हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि मसालों के उत्पादन में और मसालों को प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करने में, देश के बाकी राज्यों में भी और दुनिया में भी भेजने में, बहुत जल्दी बुरहानपुर का अपना स्थान होगा। उसने जरूरत इस बात की है कि हम, जैसा अभी कलेक्टर ने बताया कि जो परंपरागत फसलें हैं वो भी, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन कई तरह के रोग, प्राकृतिक आपदा में ज्यादा नुकसान जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो हम इन फसलों की तरफ भी तेजी से बढ़े, उसके लिए जरूरी है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, उसके लिए जरूरी है किसानों में, उद्यमियों में, व्यापारियों में, शासकीय और अशासकीय संस्थाओं में एक सामंजस्य और समन्वय स्थापित हो और विषय विशेषज्ञों के साथ बैठ के विचार विमर्श करने के बाद बीज से बीज एवं प्रसंस्करण तकनीक, विपणन व्यवस्था और एक और जोर जो प्रधानमंत्री जी का, प्राकृतिक खेती। आखिर कितना केमिकल फर्टिलाइजर हम डालेंगे, कितना कीटनाशक हम डालेंगे, और वो कीटनाशक अगर हम डालते हैं तो कीटनाशक केवल कीड़ों को नहीं मारता, कीटनाशक मनुष्य के स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उसलिए प्राकृतिक खेती तेजी से पॉपुलर हो रही है, वो जरूरत भी है आज। नहीं तो कई बीमारियों की जड़ केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों का प्रयोग है, और इसलिए हम गाय, बाकी पशु, उनका गोबर, गोमूत्र, उससे बनते हैं जीवामृत, अलग अलग तरह के कीटनाशक, उन खादों का उपयोग करके भी हम अपने उत्पादन को बहुत बेहतर भी बना सकते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से भी उसको बचा सकते हैं। आज मुझे खुशी है कि आत्मा समिति, उद्यान की विभाग, मंडी बोर्ड, बुरहानपुर सब मिलकर इस कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। इसमें जो विशेषज्ञ जुड़े हैं उनकी सलाह हमारे किसानों का मार्गदर्शन करने का काम करेगी। इस कार्यशाला की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं, इस विश्वास के साथ बुरहानपुर मसालों की खेती में, प्राकृतिक खेती में भी मध्य प्रदेश को लीड करेगा। और केवल हम उत्पादन नहीं करेंगे, उत्पादन उद्यमी बैठे फिर प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग, ये करके हमारे शुद्ध उत्पाद को पूरे देश में बेचेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि उत्पाद दुनिया में हम एक्सपोर्ट करें, और हम कर सकते हैं, असंभव नहीं है। उसके लिए
उसके लिए आज की यह कार्यशाला निश्चित तौर पर बहुत उपयोगी सिद्ध होगी और इसी कार्यशाला के मॉडल पर मैं प्रदेश के बाकी जिलों में भी इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन करवाऊंगा। मैं बुरहानपुर को इसलिए भी बधाई दे रहा हूं कि कोविड का जिस तरह नागरिकों के साथ मिलकर बुरहानपुर ने मुकाबला किया वो सचमुच में अनुकरणीय है। सबसे पहले कोविड के प्रकरण शून्य कहीं हुए तो बुरहानपुर जिले में हुए, मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं। मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं कि बुरहानपुर जिला ऐसा जिला है जहां नल से जल लगभग हर घर में हमने पहुंचा दिया है, हर गांव में, कोई अपवाद की बात मैं नहीं करता, लेकिन हर गांव में पहुंचा दिया। और 30 अप्रैल